जी गुड मॉर्निंग, और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हो रखी है बारिश, तो उसमें नींद खुली तो बाहर आए तो देखा बारिश हो रखी है और मौसम भी बहुत ठंडा है। पहले पीते हैं चाय, फिर करते हैं दिन की शुरुआत। लेट्स गो। बन रही है भाई चाय, और बनाने वाले हैं शेफ मनोज। आज करते हुए बीवी की सेवा, मस्त चाय बनाते हैं। ऐसे चाय तो मैं भी अच्छी बनाती हूँ, बट ये मुझसे ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। क्या बना रहे हो आप? ये है पनीर चीज सैंडविच। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम सभी पूरी फैमिली वृंदावन गए थे, तो उसका प्रसाद देने के लिए मैं हम जा रही हूँ अपने घर, मतलब कि मेरी मम्मी के घर, इनके ससुराल। और आज छुट्टी वाला दिन था तो लेट उठे, और क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और बकायदा आज तो बारिश भी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले तो गर्मी हो रही थी इतनी ज्यादा, और सडनली देखो आज मौसम चेंज हो गया है। मौसम तो खैर एक दो दिन से पहले से चेंज था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, इवन बारिश हो रही है। लोगों मैं आपको दिखाती हूँ, तो जब बारिश वापस शुरू हो गई है और निकल तो गए हम, बट देखते हैं हम पता नहीं कब पहुंचेंगे। और मम्मी के डांट खाएंगे सबसे पहले कि इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम, वो भी बारिश में। तो भैया यहाँ कुछ हो रहा है प्रोग्राम, भंडारा लग रहा है भैया। वैसे भंडारे का खाना होता गजब है, कुछ भी कर लो। भंडारे की सब्जी, हलवा, पूड़ी, जो मिले भंडारे में होता बढ़िया है। देखो जी बढ़िया बढ़िया बारिश की बूंदे गाड़ी के शीशे पे। वैसे मौसम ऐसा नहीं लग रहा कि बढ़िया पकौड़े मिल जाए, चाय मिल जाए, जबरदस्त मौसम रखा, क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो, आज ठंडी इतनी है और बारिश वारिश में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अब कॉफी चाय ले लो हाथ में और एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े हो उसके साथ एक हरी चटनी, मजा आ जाएगा एकदम। फिर चलते मम्मी को बोलते पकौड़े बनाने के लिए, जबरदस्त मम्मी के हाथ की एकदम मिर्चीदार चटनी और बढ़िया आलू के पकौड़े। मम्मी वैसी बना देंगी, मम्मी वैसे वैसे ही बना देगी। सही कह रहे, मम्मी बिना मम्मी को बोले मम्मी बहुत भला चीजें बना देती है। मम्मी को बस इशारा कर दो, इशारा भी ना करो ना, हम घर भी पहुंचे ना, मम्मी उसी टाइम कुछ ना कुछ बना के तैयार रखेंगी। पहले नोएडा में इतना ट्रैफिक नहीं था, 2-3 साल पहले, अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि सारी पॉपुलेशन जो है दिल्ली की भी या इधर उधर की भी सब आ चुकी है यहाँ पे। लॉकडाउन के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। पहले हम ऑफिस जाते थे तो इतना ट्रैफिक कहाँ होता था, मैं आधे घंटे में ऑफिस से घर पहुँच जाती थी, अब मुझे आधे घंटे से भी कहीं ज्यादा, पूरा 1 घंटा लग जाता है। लॉकडाउन के बाद प्रेफर कर ना लोगों ने अपनी गाड़ी से जाने के लिए। हाँ ये तो है, पहले लोग इवन सारे ऑफिस भी तो खुल गए, पहले ऑफिस कहाँ खुले हुए थे, अब तो ऑफिस भी खुल गए सारे। वैसे आज हम सोच रहे थे पठान देखने जाने के, सोच तो कल भी रहे थे बट कल तो जा नहीं पाए एकदम, कल तो खत्म थे, थक के चूर हो रखे थे। अब कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक। हाँ वैसे लगी रहेगी ना, अभी तो लगी रहेगी, बढ़िया कमा रही है। हाँ मखान लोग पता नहीं क्यों बॉयकॉट करने पे लगे रहते हैं मूवीज का। रास्ते के बारे में अच्छे से पता होगा। एनी गेसेस?
एनी गेसेस? पहले यहाँ पे ना पानी भरता था बहुत ज्यादा इस पुल पे बारिश आते ही। यहाँ पे पलातपुर के पुल पे काफी पानी भरता था, लेकिन अब यहाँ पे रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने काफी अच्छा काम करा दिया और बिल्कुल ही पानी नहीं भरता। बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा काम करा इतने सालों से, जबकि इतने सालों से यहाँ पे परेशानी होती थी, कई लोगों के तो डूब के मर भी गए, बट इस साल जो रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने काम कराया वो जबरदस्त है एकदम, न पानी भरता है न कुछ। अरे बाबा तेल भी आई बिकी नहीं पता, आती है सुबह बिकी नहीं पता, कितनी कमजोर हो गई तू बाबा। आज भी शेरा नहीं है। मैंने कहा तू ऐसे बोलेगी, वेल सुबह कहां मैं भी और करी नानी के घर बोला इसने। अच्छा। उस मामा से बात करी होगी फोन पे। अब बस देखो एकदम पैक हो रखे उसके बाद वहाँ गाड़ी जाने नहीं देते, वो गाड़ी खड़ी करके फिर रिक्शा करके जाना पड़ता है। अच्छा अंदर, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा। और अरे अब क्या बताएं, हमारा ये छोटा सा किचन है, अब मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी और ये मैं कभी कभी ना बैठ बैठ के अपने बाबू पे ना ये काजल लगा देती हूँ। हाँ वो बोलता है, वो बोलती है मुझे काजल लगा दे। और थोड़ा सा बाटी में पानी रखा है, अब मैं इस पानी को इसमें डालूंगी। अब ये मम्मी कर रही है ब्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और मैं अब इसमें जरा अदरक कूटूंगी, ये ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे ऐसे ऐसे करके। और अभी मैं, अब हमारे गांव में तो चूल्हे में बनाते हैं, हम जब से दिल्ली में आए तो हम गैस में बनाना शुरू कर दिया। देखो कितनी अच्छी अदरक है, इतनी ठंडी क्यों लग रही है? इधर को बुढ़ापे में ठंडी तो लग रही है। इधर का मैं आप एक चीज बताए, देखो आज मेरी बेटी आई है, जितने पुराने कपड़े हो जाए तो वो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या खिलाऊं इसको, क्या नहीं खिलाऊं। आ जाओ, क्या खाओगे? ये देखो कितने बड़े बंद होते हैं हमारे यहाँ, ये हमारी शॉप है। हाँ, और ये मेरी मम्मी है, बोलो। और ये मुझे बंद खिला रही है, ब्रेड भी खिला सकते। ऐसा लग रहा है कि क्या खाएगी। देखो डिब्बे में पैक कर रखा मैंने इसके लिए बिस्किट, और ये भी पैक कर रखा मैंने इसको, चॉकलेटे चॉकलेटे तो खाया तो सही, कुछ तो खाए। और बताओ आप ये तो खाओगे ना? और रस का? हाँ मैंने आपके लिए ना ये मग्गा है, मैं चाय पत्ती में फ्री मिला था ये वाला मग्गा, और ये मैं आज अपनी लाला के लिए गिफ्ट देने वाली हूँ। ये मेरा आज का गिफ्ट है, ये लो। इसमें कटोरी भी है, चाहो तो ले जाओ, नहीं चाहे तो मत ले जाओ। एक ही मग्गा। कैसी बनी कॉफी? बढ़िया। कैसी? ओह कॉफी बहुत अच्छी है, मेरी मेहनत लग रही है। मैंने बनाई, आपने कब बनाई? यहाँ भी मैंने बनाई कॉफी, वहाँ भी मेरी कॉफी बनाती हूँ, यहाँ भी मैंने बनाई कॉफी। जी बन गई एकदम बढ़िया बढ़िया, तूने बनाई, देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट करके देखें कैसे बन रही है। आज मम्मी बना रही खाना एकदम बढ़िया बढ़िया, टेस्ट करके देखो अच्छी होगी। नहीं नहीं थोड़ी सी तो देखनी चाहिए। वेरी नाइस। तैयार और हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है। कुछ नहीं दिया यार, और हम जा रहे हैं, आज हम थोड़े से टाइम के लिए आए थे, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे रहने के लिए, फिर बात करेंगे बहुत सारी। ये देखो मम्मी टीका लगा रही है। बाय 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 भासी।
अब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हमने भी यहाँ रुकने का प्लान नहीं बनाया, नहीं तो आज यहीं रुक जाते घर पे। ऑफिस जाना है, बैग वगैरह सब घर पे पड़ा है, क्या करें। ये तो तोड़ पड़ रहा है, एकदम तोड़, झमाझम बारिश हो रही है। तो घर हम पहुंच गए और खाना वाना हमने वहीं घर पे ही खा लिया था, तो अब खाने का मन कर नहीं रहा है, पेट भरा हुआ है। कल है मंडे, कल जाना है ऑफिस, अब करेंगे कल ऑफिस की तैयारी और फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो अब मैं ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।